जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज स्कूटियां जो है दी गई हैं, क्या कहेंगे, कितनी स्कूटियां जो है दी गई हैं और क्या डिटेल है? देखिए, सोशल वेलफेयर की तरफ से आज मुझे निमंत्रण दिया गया था कि आज जो एक हैंडीकैप्स हैं हमारे जम्मू शहर में, जम्मू दायरे में, तो उनको स्कूटियां दी जानी थी और इसके लिए उन डिफरेंट इलाके से लोग आए थे। ये 6 से 7 स्कूटियां दी गई हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं सोशल वेलफेयर वालों को कि जिन्होंने स्कूटियों का एक आयोजन किया, जो हर बार कुछ ना कुछ करके तो लोगों की सेवा करते रहते हैं और ये स्कूटियां देते रहते हैं। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, मैं सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होने के नाते मैं मुझे बुलाया गया था और मैंने लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है उन लोगों का भी जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया है और जिनके माध्यम से इन लोगों को स्कूटियां दी गई हैं। एक और एक प्रपोजल है जो मैं सरकार को देने की कोशिश कर रहा हूं, जो हम मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन में हम इसे हाउस में पास करने के बाद इसे आगे इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश करेंगे कि विकलांग लोग जो कि हैंडीकैप लोग हैं, जो ई रिक्शा जो शहर में चलाए जा रहे हैं, अगर हम सोशल वेलफेयर की तरफ से, हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से जो इनको सहायता दी जाती है उसके तौर पे इनको अगर स्कूटियाँ, ये ई रिक्शाज दिए जाए ताकि ये अपना रोजी रोटी कमा सकें और अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, इसके लिए मैं सरकार से अपील भी करूँगा और सरकार को इसके लिए आगाह भी करूँगा और इसको शायद आने वाले जो हमारी हाउस मीटिंग है कॉरपोरेशन में, इसको पास करवाने की कोशिश करूँगा ताकि उन लोगों को भी लगे कि हम लोग काम करके उनकी काम करने के लिए उनकी सहायता करें ताकि जो इनकी समस्याएं हैं वो कम हो और जो भी इनकी समस्याएं आती हैं, जैसे व्हीलचेयर हो गई या स्कूटीज हो गई, ये सब प्रोवाइड करवाना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है और हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।